दोस्तों क्या आपके फोन के कीपैड में भी वर्ड लिखने पर चेंज हो जाते हो? जब भी आप कुछ टाइप करते हो वो आप लिखते कुछ और हो, पर स्पेस देने की वजह से वो चेंज हो जाते हैं वर्ड। दोस्तों मान लो कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैसे, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया है। जैसे कि मैं फिर लिखूँगा लिखना, ये भी दोस्तों चेंज हो गया। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा ही कुछ होता है, स्पेस देने पर वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों पहला ही सलूशन यहीं पर है आपके कीपैड में ही। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बिंदु सा दिख रहा होगा ए, और उसके नीचे एक बिंदु दिख रहा होगा। यहाँ पर आपने इसको दबाकर रखना है। दबाकर रखने के बाद में दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऑप्शन आया है प्रेडिक्शन। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर ऑन मिलेगा, तो दोस्तों आपने सिंपली से इसे ऑफ कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे ऑफ कर दोगे उसके बाद दोस्तों ये आपका बंद हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, जैसे कि अब मैंने लिखा कैसे, तो दोस्तों ये कैसे ही अब चेंज नहीं हुआ। फिर मैं लिखूंगा लिखना, तो दोस्तों ये भी चेंज नहीं हुआ, तो दोस्तों ये बंद हो गया है। अगर तो दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर दबाकर रखने पर वो ऑप्शन आता है तब तो दोस्तों ठीक है, आप यहाँ से बंद कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर दबाने से वो वाली सेटिंग नहीं आती, दोस्तों आपको मैं एक सेटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर कीपैड में भी सेटिंग होगी, दोस्तों कईयों के फ़ोन में नहीं होती, तो दोस्तों मैं आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में ही बताऊंगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाओगे, फिर दोस्तों आपने नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लैंग्वेज एंड इनपुट, तो दोस्तों आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन टच कस्टम वर्जन, तो दोस्तों आपने यहाँ पर करना है क्लिक। तो दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर टेक्स्ट कुछ ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, दोस्तों उसके बाद वाली सेटिंग आपने याद रखनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग निकल कर आएगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो दोस्तों आपने यहाँ पर करना है प्रेडिक्शन पर करना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप प्रेडिक्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों ये वाली जो ऑप्शन है ये मैंने अभी क्योंकि वहाँ से मैंने बंद की। अगर दोस्तों आपके कीपैड में स्पेस देने पर जो वर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, दोस्तों ये वाला ऑप्शन हुआ है जो वो आपका ऑन होगा, इस पर टिक लगी होगी। तो दोस्तों आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली से यहाँ पर इसे अनटिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे अनटिक कर दोगे दोस्तों आपके कीपैड में स्पेस देने पर कोई भी वर्ड चेंज नहीं होगा, आपकी कीपैड की समस्या वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको देना चाहता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।